फाइल कहाँ गई? गहना, वो फाइल कहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रखी थी? तूने अलमारी में रखी है क्या? जी। अरे माँ साहब से दस्तखत करवाने के लिए तो गया था। ये कागज उसमें आज के आज लगा के वकील साहब के पास भेजने हैं। ला निकाल जल्दी से। बाहर जाने के बारे में आपने माँ से बात की क्या? नहीं अभी नहीं की, देख नहीं रही है कितना काम है। हाँ पर आपने तो कहा था ना कि आप मासा से बात करेंगे, तभी तो मैं आपसे पूछ रही थी। ओ कर लूंगा बात, तो इतनी जल्दी में क्यों रहती है? सारा काम धंधा छोड़ के बाहर निकल जाऊं क्या घूमने के लिए? मेरा मतलब ये नहीं था। तो चिंता मत कर, मैं कर लूंगा उनसे बात अपने हिसाब से। चल निकलता हूँ मैं। जानती हूँ संकोच के मारे आप मासा से कोई बात नहीं करेंगे, लगता है मुझे ही बात करनी पड़ेगी। ऐसी क्या बात करनी है तुझे घर पे? तू तो ऐसे पीछे पड़ी हुई है जैसे दादी साहब तुझे अभी डांट लगाकर पूछेंगे क्यों ना चाय कब मिलेगी। वो बात नहीं है जगिया, लेकिन घर से आते समय हमने सबसे कहा था ना कि फोन पर बात करते रहेंगे। और जगिया घर से दूर है इसका मतलब ये ना है कि अपने बड़ों की चिंता ही ना करे, ये भी ना सोचे कि वो कैसे हैं। और जगिया उन्हें भी तो हमारी चिंता हो रही होगी ना, तुम जल्दी से फोन लगाओ ना, फिर मुझे जाके नहा के पूजा भी करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी फोन लगाता हूँ, तू तो मानने से रही। नहीं लग रहा नेटवर्क। ठीक है तो मैं नहाकर आती हूँ। अच्छा सुन 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 सुन, रुक रुक एक मिनट। आज तू ये पहन के दिखा। अरे वाह, इसका रंग तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है जगिया। जगिया यहाँ आओ ना। क्या हुआ? आधे अधूरे कपड़े दिए हैं तुमने, इसकी सलवार तो शायद बाहर ही रह गई, लाके दे दो ना। अरे उसके साथ सलवार नहीं पहनते, पूरी ड्रेस है वो, जरा बाहर आकर दिखा तो सही। ना बाबा बहुत अजीब सा लग रहा है, पांव तो पूरे खुले हैं, दूसरों की छोड़ो मैं तो खुद ही अपने आप को शीशे में ना देख पाऊंगी। तू आ रही है या मैं अंदर आऊं? नहीं नहीं आती हूं मैं। क्या देख रहे हो? बहुत बुरी लग रही हूं ना मैं? मैं क्या बताऊं, तू खुद ही देख ले। आजा। देख कितनी फूतरी लग रही है, तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना कि तू वही आनंदी है? लेकिन जगिया ये कितना छोटा है, इसे पहनकर बाहर कैसे? शहरों में लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, कॉलेज में ऑफिस में ऐसे ही कपड़ों में घूमती हैं, अब तुझे आदत नहीं है ना इसलिए अजीब सा लग रहा है। एक से एक ड्रेस लेकर आया हूं तेरे लिए, रोज अलग अलग ढंग के कपड़े पहनना ठीक है, और इनमें से ऐसा एक भी ड्रेस नहीं जो तुझे पसंद ना है। हाँ ये वाला, अरे इसे पहनकर गुड़िया लगेगी गुड़िया, और हाँ ये इसे पहनकर तो किसी फिल्म की हीरोइन से कम ना लगेगी, और हाँ ये वाली 25-30 ड्रेसेस देखने के बाद ये वाली पसंद आई, फट से खरीद ली मैंने, ये देख अच्छी है ना। लेकिन जगिया मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, सब कुछ बिल्कुल खुला खुला सा लगेगा,
शर्म आएगी मुझे जगिया। बींद हूँ तेरा, कुछ ऐसा नहीं लाऊंगा जिसे पहनकर बाहर जाने में तुझे शर्म आए। अब फिर तूने खुद आईने में देखा ना, कितनी फुतरी लग रही है। लेकिन जगिया मेरे मन को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, सारा ध्यान बस कपड़ों पर ही जाएगा, ऐसा लगेगा कि सब लोग सिर्फ मुझे ही घूर रहे हैं। जगिया मैं सलवार कमीज पहन लूंगी पर ये कपड़े नहीं। ठीक है फिर, जब पहनना ही नहीं है तो रखने का क्या फायदा। मैं अभी जाकर इन्हें वापस लौटा कर आता हूँ। और ये वाली है, ये भी दे दे, इसे भी दुकान पर लौटा दूंगा मैं। एक मैं ही पागल हूँ जो तेरे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तू है ही नहीं इस लायक। तू अपनी वही पुरानी घाघरा चोली पहनकर अपने आप को चूल्हे चौके में झोंक दे, तुझे उसी में खुशी मिलती है ना। तो खुश रह। युवा पीढ़ी जब आधुनिकता से रूबरू होती है तो उसकी चमक दमक से इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसे परंपरागत जीवन शैली में दोष नजर आने लगते हैं।